नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं, और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा ATG के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का बगलामुखी साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशिष्ट अनुष्ठान होगा, और यह जो अनुष्ठान है मुद्रा के साथ होगा, जिसकी वजह से अनुष्ठान की शक्ति और बढ़ जाती है। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनका संबंध सरकारी क्षेत्र से है, राजनीति से है, छुपे हुए शत्रु से परेशान है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ रहा हो। ऐसे लोगों को बगलामुखी साधना में अवश्य भाग लेना चाहिए। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 2020 में कन्या राशि वालों का प्रेम और प्रणय के क्षेत्र में उनका भविष्य क्या होगा, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 2020 में कन्या राशि वालों की चर्चा करें तो उनका प्रणय जीवन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। आपका एक विशिष्ट स्वभाव है, उस मिजाज या मजाकिया स्वभाव, आप अपने स्वभाव से अपने साथी को खुश किए रहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मजाक मजाक में आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिससे कि सामने वाला नाराज हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि मजाक की एक सीमा होती है, किसी को खुश करने की एक सीमा होती है। उस सीमा को पार करते ही आपको पता नहीं आपके मुँह से क्या निकल जाए, तो इस बारे में सावधान रहें। बाकी आपके इसी स्वभाव की वजह से छोटी मोटी जो विवाद हैं, छोटी मोटी जो अड़चने हैं, आप अपने साथी के दूर करते रहेंगे। तो आपका हंसमुख स्वभाव जो है ये आपके साथी को बहुत पसंद आएगा। आपके इसी स्वभाव की वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने साथी से अलग हो चुके हैं 2020 में। अपने इसी स्वभाव की वजह से एक होने की संभावना प्रबल है। फिर भी मई महीने तक आप अपने रिश्तों में सावधानी रखें, सामने वाले के दिल को तोड़े ना, चोट न पहुंचाएं, कोई ऐसी बात न कहें जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए। लेकिन मई महीने के बाद से आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो प्रणय जीवन है स्पीड में बढ़ रहा है, हर तरह का सुख मिलने की संभावना है। इस वर्ष के अंत में आपकी जोड़ी वैवाहिक जीवन में बदल सकती है, तो आप अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझेंगे। देखा जाए तो कन्या राशि वाले 2019 की तुलना में कन्या राशि वालों का 2020 बहुत ही सफल रहेगा। फिर भी कुछ लोग हैं जिनके जीवन में निराशा है, जिनके साथी उनसे दूर हो चुके हैं या दूर हो रहे हैं, या उनके प्रणय जीवन में कुछ रुकावटें आ रही हैं। ऐसे लोगों को विशिष्ट मंत्र का जाप करना चाहिए, और वो जो मंत्र है ओम ह्रीम बुद्ध बुधाय नमः, ओम ह्रीम बुद्ध बुधाय नमः, ओम ह्रीम बुद्ध बुधाय नमः। ये इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, ओम ह्रीम बुद्ध बुधाय नमः। इस मंत्र का जाप करें, यह मंत्र का जाप रेगुलर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वैसे कन्या राशि वाले सभी लोग इस मंत्र का जाप करना चाहें तो कर सकते हैं। आप इस मंत्र से देखेंगे कि आपको आपकी इच्छा के अनुरूप आपको सफलता मिल रही है। लेकिन ज़्यादा करके वही लोग करेंगे जो लोग दुखी हैं, निराश हैं, जिनका जीवन अच्छे से चल रहा है, उनको जरूरत नहीं है, फिर भी चाहें तो कर सकते हैं। आशा है 2020 आपके प्रणय जीवन में प्रगाढ़ता हो, सफलता मिले आपको। धन्यवाद।